नमस्कार, मी रिया रुपेश पवार महाळंगेकर. माझा महाराष्ट्र लाईव्ह मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. पाहूया काही ठळक घडामोडी आणि बातमी आहे नांदेडवरून. आज आपण विमानतळ पोलीस स्थानकात आलेले या ठिकाणी नबीब बागवान यांना हिमाचल प्रदेश पोलिसांनी अटक केली होती. परंतु त्या ठिकाणी पोलिसांचा असा बोलणं होता की आमच्याजवळ आम्ही अटक करून घेतल्यानंतर ते फरार झालेले आहेत. परंतु त्यांचे घराचे नातेवाईक ते सर्व परेशान होते आणि ते कसं फरार झालेले आणि पोलीस अधीक्षकाला सुद्धा शिष्टमंडळीने निवेदन दिलेले आहेत की हबीब बागवान यांचा काही पत्ता लागला नाही. या ठिकाणी हबीब बागवान त्यांच्या भावासहित विमानतळ पोलीस स्थानकात स्वतःहून हजर झालेले आहेत. ते आपले त्यांचे भाऊ आपल्या सोबत आहेत. त्यांच्याशी आपण विचारणार नाही की घटना कशी होती आणि हा कसं काय आलेले आहेत. मेरा नाम मोहम्मद शकील आहे. मैं हबीब भाई का छोटा भाई हूँ. और थोड़ी देर पहले क्या हुआ था जो घटना पहले जो घटना हुई है हिमाचल, वो उनका पैसों का लेन देन जो भी था उनका लेन देन था. FIR हुई, यहाँ नोंद करके ले गए जो भी है. लेकिन आज मेरे को फ़ोन आया कि भाई मैं भुकरपाटे पे हूँ, मेरे को ले जाने के लिए. ज़रा परेशान थे उन्होंने और बहुत सहमी सी हालत में थे, तो मेरे को फ़ोन करे उन्होंने कि भाई तू आ जा बोले. तो फिर मैं वहाँ जाके उनको रिसीव करके यहाँ लेके आया. मसला न्यायालय का है, पुलिस केस होया लिए है. तो यहाँ उन्होंने आके उन्होंने सरेंडर हो गए. और उनकी कैसा थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, उन्होंने बोलने की स्थिति में थोड़ा सा डिस्टर्ब है. उन्होंने भी मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं दी, बस परेशान थे कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ मेरे को. हाँ, ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि उनके कोई जान को धोखा है, ऐसा उनको भी लग रहा. और आप लोग भी काफ़ी परेशान थे. कुछ कांग्रेस के आमदार शिष्टमंडली ने स्पीकर साहब को भी मिले, वो बीच में क्या मसला था? उन्होंने बिल्कुल सबने अपने भाई, उनका पता ही नहीं लग रहा था ना. उन्होंने आज तक भी फ़ोन नहीं किए. आज अचानक मेरे को फ़ोन आया. उन्होंने ना बहुत दहशत में थे कि भाई उन्होंने क्या करेंगे क्या नहीं. सामने वाले पुलिस वालों के उनके अंडरटेकिंग थे. उन्होंने अब क्या है उन्होंने पूछ के मालूम हुआ जो भी होगा. लेकिन आज उनकी जो हालत जो थी वहाँ से लेके आया मैं, थोड़ा सहमे से थे. बोले मैं परेशान हूँ भाई, अभी कुछ बात नहीं करना चाहता, मेरे को पहले लेके चल बोले. तो मैं उनको यहाँ लेके आया. उन्होंने नांदेड़ में हद में आने के बाद फ़ोन करे. अभी तक 19 तारीख से इनको ले गया आला था, लेकिन आज तक कोई रिपोर्ट नहीं है इनकी, कुछ नहीं. किसी से हमारे घर से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है. हम बहुत परेशान थे और हमारी ये फरियाद है कि भाई हाइपर के पास इसमें डाला हुआ है. हाईकोर्ट के हिसाब से हमारी ये पुलिस प्रशासन भी हमारी मदद करे. जी, आपके वहाँ के पुलिस के से कुछ रफ्ता हुआ था क्या कि आपने यहाँ से विमानतल में नोंद करके हमारे भाई को लेके गए थे, उसके बाद जिम्मेदारी बनती है पुलिस की कि सही सलामत ले जाना यहाँ पे नोंद करने के बाद, मगर उन्होंने क्या बताया थी? नहीं, उन्होंने ले गए तो यहाँ नहीं है, हमको बाद में मालूम हुआ. उन्होंने ले जाने के बाद विमानतल पुलिस स्टेशन में बाद में मालूम हुआ हमको. इनकी गाड़ी भी थी कार, तो मैं ले जाने के लिए आया तो बाद में उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा तुम्हारे भाई को शिमला पुलिस ले गई. अभी यहाँ के पुलिस वालों का क्या बोलना है यार, अभी इस वक्त आए तो उन्होंने क्या बोलना है? नहीं, हम रह के चलेंगे नहीं. जो भी अब जो भी है वो हाईकोर्ट में केस जो भी है देखेंगे. क्यों तो उनका जो है न्यायालय से जो भी है वो तक देखेंगे. क्यों तो उन्हें आके अपना सिलेंडर कर दिए. अब वो जो भी है पूछताछ जो भी है वो कोर्ट करेगी. जो भी है जिम्मेदारी से पुलिस ने वहाँ ले गई थी, अगर खुदा न खास्ता कुछ कम ज़्यादा होता तो इसकी जवाबदारी कौन थी? प्रशासन के हाथ में से कुछ व्यक्ति चल जाना, तो पुलिस ने इतनी बड़ी चीज़ को कैसा? अब एक्चुअल में उन्होंने तो हैंडीकैप भी है उन्होंने. और कैसा वो क्या हुआ क्या नहीं उतनी डिटेल नहीं पूछा मैंने. मेरी इतनी बात हुई बस. आज जो प्रकरण हुआ किसी को लेके जाते हैं दूसरे राज्यों में, हाँ उनकी जिम्मेदारी बनती है. हाँ, तो वो तो जिम्मेदारी है ना, उनकी जिम्मेदारी. उनके हिसाब से उन्होंने ले गए. यहाँ से जब उठा के ले जा सकते तो छोड़ेंगे कैसा? उन्होंने 3-4 पुलिस वाले थे विथ वेपन थे, ऐसा है ना. अब उसके आगे हमको उतना मालूम नहीं है क्या हुआ क्या नहीं, वो आगे उनसे बात होने के बाद मालूम होगा. जिस तरीके से आमदार साहब ने भी दिए निवेदन, तो क्या मांग थी? आमदार साहब ने SP साहब को मिले थे तो उनकी क्या मांग थी आप लोगों की? कि भाई कांटेक्ट हुआ था क्या? बिल्कुल, जो है SP साहब से कांटेक्ट हुआ था, हमारे जो अशोक चौहान से भी कांटेक्ट हुआ था. यहाँ के SP ने, हम जिस टाइम में जो है आमदार के साथ गए थे, तो जो है यहाँ के SP ने जो है वहाँ पर फ़ोन लगा के जो है बताए भाई ऐसा ऐसा ले गए. तो यहाँ से उन्होंने मालूम कर विमानतल से कि यहाँ से ले गए बोल के. फिर उसके बाद जो है उन्होंने लेके गए. फिर उसके बाद उन्होंने रास्ते में जो है फरार हो गए बोल के बताए. अब फरार होने के बाद अब इन्हों यहाँ पे ऑटोमेटिक आए. आने के बाद जो है अपना अपने आप को सरेंडर करे. अब ये जो है मैटर, अब या तो पुलिस या तो फिर आरोपी जो जिनको ले गए थे उन्होंने जो है बता सकते हैं. अब यहाँ पर अभी जो है किसी को भी जो है बात करने के मूड में नहीं है. उनकी तबीयत भी इन्हों बोले ऐसा ख़राब है. और अभी जो है हाईकोर्ट को यहाँ से जाने के बाद अब उसका जो है हाईकोर्ट क्या जो है निर्णय लेगा,
ये हाँ वो भरोसा है ना भाई, हमारा आदमी जो है खुद आके सिलेंडर हुआ ना, इस वजह से कि जो है उन्हें कोई कानून से कोई धोखा। अच्छा फिर हमारा आदमी अपंग है, भाग भी नहीं सकता, अब इसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ या तो पुलिस बता सकती या आदमी हबीब बता सकते हैं। अशाच नवनवीन बातम्यांसाठी पाहत रहा माझा महाराष्ट्र लाइव।